भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए अब जानते हैं। दसवां, गौतम अडानी और परिवार। गौतम अडानी जो कि अडानी समूह का अध्यक्ष है। अडानी समूह कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल एवं गैस खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन एवं पारेषण और गैस वितरण में फैले कारोबार को संभालने वाला विश्व स्तर का एकीकृत बुनियादी ढांचा है। अडानी के बेटे करण ने अब फर्म अडानी बंदरगाह और एसी जेट की स्थापना की है, जो परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है। अडानी समूह ने भारत में ग्रिपेन लड़ाकू विमानों का निर्माण करने के लिए स्वीडिश रक्षा फर्म के साथ पार्टनरशिप की है। नौवे नंबर पे है दिलीप सांघवी और परिवार। दिलीप सांघवी एक सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक एवं प्रबंधन निदेशक हैं। साल 2015 में उनका नाम भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शुमार हुआ। सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विशेषता जेनरिक निर्माता और भारत का सबसे मूल्यवान फार्मा संगठन है, जिसकी मार्च 2015 की कमाई $5 अरब थी, मगर 2017 में उनका नाम भारत के 10वें सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में शुमार है। इनका व्यवसाय है फार्मा एंड मेडिकल। कुल संपत्ति है 12.1 बिलियन, लगभग 78,728 करोड़ रुपए। आठवें नंबर पे हैं कुमार बिरला। कुमार बिरला ग्रुप समूह की रुचि दूर संचार और वित्तीय सेवाओं के लिए सीमेंट और एल्यूमिनियम का विस्तार करती हैं। बिरला को 28 वर्ष की आयु में परिवार साम्राज्य विरासत में मिली, जब उनके पिता आदित्य बिरला का सन 1995 में निधन हो गया था। मार्च 2017 में बिरला ने अपने दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया के साथ मिला दिया। मुकेश अंबानी ने जियो 4G को लाकर सारे कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिए थे और फिर आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन दिवालिये होने पर आ गए। इनका व्यवसाय है टेलीकॉम और कुल संपत्ति है 12.6 बिलियन, लगभग 81,862 करोड़ रुपए। सातवें नंबर पे है शिव नादर। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार शिव नादर भारत के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी HCL के मालिक हैं। आईटी अग्रणी शिव नादर ने 1976 में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए एक गैरेज में HCL को सीफाइन किया था और आज उनकी HCL कंपनी भारत की चौथी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। भारत के अग्रणी परोपकारियों में से एक नादर ने अपने शिव नादर फाउंडेशन को $66.2 करोड़ का दान दिया है, जो शिक्षा से संबंधित कार्यों को समर्थन करता है। इनका व्यवसाय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनकी कुल संपत्ति है $14.2 बिलियन, लगभग 86,417 करोड़ रुपए। छठवें नंबर पर है गोदरेज परिवार। गोदरेज भारत की 118 साल पुरानी गुड्स एवं कंज्यूमर कंपनी है, जिसको पूरा गोदरेज परिवार मिलकर चलाता है। इनके परिवार के 9 सदस्य इस कंपनी को चलाते हैं तथा कंपनी के चेयरमैन अभी आदि गोदरेज हैं तथा गोदरेज के प्रोडक्शन उनकी बेटी निसाबा के द्वारा चलाए जाते हैं तथा गोदरेज प्रॉपर्टीज उनके बेटे पिरोजा द्वारा चलाई जा रही है। गोदरेज समूह की स्थापना वकील अरदेर गोदरेज ने की थी, जिन्होंने 1897 में ताले बनाने के लिए अपना पेशा छोड़ दिया था। इनका मुख्य व्यवसाय है गुड्स एवं प्रोडक्ट्स। कुल संपत्ति है इनकी $14.2 बिलियन, लगभग 92,236 करोड़ रुपए। पांचवें नंबर पर है पिलोंजी मिस्त्री। पिलोंजी मिस्त्री शकुरजी पिलोंजी ग्रुप के हेड हैं। इनका इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम होता है। शापुरजी पिलोंजी 152 साल पुराना ग्रुप है। वह 100 करोड़ रुपए टाटा समूह का समूह धारण करते हुए टाटा संस में 18.4% हिस्सेदारी वाले परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो 100 कंपनियों का एक समूह है तथा मिस्त्री के बेटे शाहपुर द्वारा चलाए जा रहे SP समूह भी देश के अग्रणी ब्रांड वाटर प्यूरिफायर यूरेका फोर्स के मालिक हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन। इनकी कुल संपत्ति है 17 बिलियन, लगभग 1,11,654 करोड़ रुपए। चौथे नंबर पर हैं लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे बड़े इस्पात निर्माता अर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यरत हैं। मांग और स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी
लाभ में कंपनी ने 4 साल के नुकसान के बाद 2016 में 1.8 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। लक्ष्मी मित्तल का इस्पात निर्माण कार्य सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी चलता है। उनका बेटा आदित्य समूह का मुख्य वित्तीय अधिकारी और आर्सेलर मित्तल के यूरोपीय कारोबार के CEO हैं। इस तरह अपने बिजनेस को बढ़ाकर उन्होंने अपना नाम भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल करवाया। इनका मुख्य व्यवसाय है इस्पात निर्माण। इनकी कुल संपत्ति 17.20 बिलियन डॉलर, लगभग 1,11,654 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर हैं हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ब्रदर्स 4 भाई हैं और चारों भाई मिलकर अपने 90 साल पुराने बिजनेस को चला रहे हैं। ये अशोक लैलैंड, गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडसइंड बैंक और हिंदुजा टेक लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को चला रहे हैं, जिनका विस्तार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इस तरह उनकी ये कामयाबी उनको भारत के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में ले आई है। इनका मुख्य व्यवसाय है बैंक, ऑटोमोटिव और ऑयल। इनकी कुल संपत्ति है 18.6 बिलियन डॉलर, लगभग 1,20,779 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर हैं अजीम प्रेम जी। भारतीय तकनीकी प्रमुख अजीम प्रेम जी का 9 बिलियन डॉलर राजस्व विप्रो भारत का तीसरा सबसे बड़ा आउटसोर्स है। प्रेम जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, तभी 1966 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका जो खाना पकाने के तेल का बिजनेस था वो उनको संभालने लगे। आज उन्होंने उस खाना पकाने वाले तेल के बिजनेस का इतना विस्तार किया कि वो देश की सबसे बड़ी आउटसोर्स कंपनी बन गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने जितनी भी पढ़ाई की थी उसके आधार पर उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो शुरू की। विप्रो टेक्नोलॉजी कंपनी का सिलिकॉन वैली में अपनी एक इन्वेंशन सेंटर है जो कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास और स्टार्टअप के साथ सहयोग कर रहा है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम रिशाद है और ये अभी कंपनी को लीड करते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है विप्रो टेक्नोलॉजी। इनकी कुल संपत्ति है 19.4 बिलियन डॉलर, लगभग 1,25,957 करोड़ रुपए। पहले नंबर पर हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो सालों से भारत के सबसे धनी व्यक्तियों के लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। मुकेश अंबानी का 51 अरब डॉलर का कारोबार सिर्फ गैस और तेल का ही है। इसके साथ साथ इनके पास रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री भी है जिसका जाल पूरे देश में फैला हुआ है और करीब 22,113 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति करती है। हाल ही में मुकेश अंबानी द्वारा 4G टेक्नोलॉजी को जियो के जरिए लॉन्च किया गया, जिसमें सभी लोगों को 399 रुपए में 3 महीने तक फ्री में 4G चलाने को दिया गया, जिससे बाकी कंपनियों के भाव भी एकदम से नीचे गिर गए। जहां हर भारतीय को पहले एक गाना डाउनलोड करने के लिए भी सोचना पड़ता था कि मेरा डाटा खत्म हो जाएगा, वही अंबानी जी ने पूरे देशवासियों को अब जी भर के इंटरनेट चलाने दिया, वो भी 4G की स्पीड में जो बाकी कंपनियों के पास नहीं थी। भला हो अंबानी जी का, वरना आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसे लुटेरों ने हमको न जाने कितना लूट देते हैं। अब सभी को डाटा की असली कीमत पता चल गई। मुकेश अंबानी सालों से भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में पहले नंबर पर ही रहे हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है गैस, तेल, रिलायंस टेलीकॉम। इनकी कुल संपत्ति है 39.3 बिलियन डॉलर, लगभग 2,55,391 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट?